हिमाचल प्रदेश का जिला हमीरपुर पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो रहा है। दो सप्ताह पहले हमीरपुर जिला के सुजानपुर शहर में पैराग्लाइडिंग का सफल प्रशिक्षण हुआ। अब इसके बाद जिला के नादौन में भी रिवर राफ्टिंग का सफल प्रशिक्षण हुआ है। रिवर राफ्टिंग नादौन और सुजानपुर क्षेत्र के साथ बहती ब्यास नदी पर की जाएगी, जिसके लिए बाकायदा सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। अब आगामी दो माह के बाद नादौन के आसपास के ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग को शुरू किया जाएगा। वहीं जिला उपायुक्त देवश्वेता ने भी जल्द ही रिवर राफ्टिंग शुरू होने पर खुशी जाहिर की और कहा कि इससे जहां पर्यटन की दृष्टि से जिला उभरेगा, वहीं रोजगार के साधन भी पैदा होंगे। उधर हमीरपुर जिला के युवाओं और लोगों ने भी जिला में रिवर राफ्टिंग शुरू होने पर खुशी जताई और इसे जिला के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। स्थानीय निवासी संजीव शर्मा ने रिवर राफ्टिंग जल्द शुरू होने पर खुशी जताई और कहा कि रिवर राफ्टिंग शुरू होने से नादौन और सुजानपुर के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो स्थानीय लोगों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। रिवर राफ्टिंग जो नादौन में जो ये चालू हुआ है, ये वहाँ के पर्यटन को और बढ़ावा देगा और इससे क्या हमारे क्षेत्र में पर्यटन आएंगे और आगे हमारा क्षेत्र बहुत पुराना है, बहुत पुराना शहर था नादौन, जिससे कि इसको और बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले सुजानपुर में भी पैराग्लाइडिंग का सफल परीक्षण हुआ है, जिससे कि यहाँ का प्रशासन जो है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और विशेषकर नादौन के लिए नादौन के विधायक जो सुरेंद्र सिंह सुक्कू जी हैं, वो भी विधायक के पात्र हैं, उन्होंने भी अच्छा कार्य इसमें अपना पूर्ण योगदान दिया। युवा रजत सिंह ने कहा कि रिवर राफ्टिंग के लिए कुल्लू मनाली जाना पड़ता था, लेकिन अब जल्द ही हमीरपुर जिला के नादौन में भी रिवर राफ्टिंग शुरू हो रही है, जो कि खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि रिवर राफ्टिंग से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। सर, ये बहुत अच्छी बात है, अगर हमारे यहाँ पे जिला में, हमीरपुर जिला में रिवर राफ्टिंग हो रही है तो इससे हमारे को बहुत ज़्यादा रोजगार, सभी को हर चीज़ मिलेगी। ऐसे हमें कुल्लू मनाली जाना पड़ता है रिवर राफ्टिंग के लिए, और जो हमारे बिजनेस हमारे चले हुए हैं इसके लिए दुकानें हैं, हर चीज़ है, तो उनके ऊपर भी बढ़ावा होगा हर चीज़ का। और जो उसके आसपास के लोग हैं जिनके पास भी रोजगारी है, काम करने का कोई ये नहीं है, न बचा है कुछ। जैसे आपको पता है कोरोना का टाइम चल रहा है तो इसमें बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल गई थी, तो अब जो है रिवर राफ्टिंग शुरू होगी तो इससे हमें रोजगार भी मिलेगा, लोगों को अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी और लुत्फ भी उठाएंगे अच्छी अच्छी चीज़ों का, घूमेंगे फिरेंगे और इससे हमारे जिले का जो है वो काम भी अच्छा होगा। वहीं उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक का कहना है कि नादौन में ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग के लिए ट्रायल सफल रहा है और कई बार ट्रायल करने के बाद अब रिवर राफ्टिंग के लिए आगामी दो माह बाद काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि रिवर राफ्टिंग शुरू होने से जिला में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि रिवर राफ्टिंग के लिए 2 दर्जन से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। पहली प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग जो है वो लोकल यूथ के लिए नादौन में ऑर्गेनाइज करके संपन्न की है सक्सेसफुली, जिसमें 100 यंगस्टर्स को अलग अलग बैचेस में रिवर राफ्टिंग की बेसिक ट्रेनिंग दी गई है। तो हमें सबको पता है कि हमीरपुर में ब्यास नदी जो है वो नादौन और सुजानपुर एरिया से गुजरते हुए जाती है और उसी प्राकृतिक सुंदरता को और नदी के बहाव का इस्तेमाल करते हुए हमारी ये योजना हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ शुरू करने की सोची कि क्यों ना हम रिवर राफ्टिंग जो है यहाँ पे एज अ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और टूरिज्म एक्टिविटी के तौर पे शुरू करें। और मैं खुद जो है उनकी ट्रेनिंग की क्लोजिंग के समय जो है वहाँ खुद गई थी और उनके यंगस्टर्स जिन्होंने ट्रेनिंग ली है उनसे इंटरेक्ट किया और बहुत अच्छी बात है कि जितने यंगस्टर्स, उसमें काफी सारे महिला ट्रेनीज भी थी, काफी सारी लड़कियों ने भी रिवर राफ्टिंग गाइड्स के तौर पे प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग ली, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सारे यंगस्टर्स ने बहुत जोश और बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेके ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और उन्होंने डिमांड की कि हमें अगली ट्रेनिंग और लंबी और थोड़ी कठिन ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि हम काफी उनमें से लोग जो है वो प्रोफेशनली इसको जो है वहाँ शुरू करने के लिए इंटरेस्टेड लगे। तो इसीलिए इसी कड़ी में हमने अगली ट्रेनिंग जब भी कुछ समय के अंदर ही 15 दिन की ट्रेनिंग जो है एक मुश्त ट्रेनिंग भी हम प्लान कर रहे हैं और साथ ही में इंडस्ट्रीज विभाग के जो स्कीम्स हैं
जिसमें यंगस्टर्स को अपना रिवर राफ्टिंग के प्रति जो है उनको जो भी परचेज इक्विपमेंट की जरूरत है उसकी सहायता भी हम करके कन्वर्जेंस में इन दोनों स्कीम्स को चलाने की हमने योजना हम बना रहे हैं। और इसके लिए जो हमारी नदौन की लोकल जो टीम है BDO SDM और खासकर जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उन्होंने काफी अच्छी इसमें जो है भूमिका निभाई है, बहुत अच्छी पहल की है। और नदौन के जो हमारे प्रशिक्षु हैं जो यंगस्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से इस चीज को अपनाया है। तो हम आशा करते हैं कि हमीरपुर जिले के लिए एक और माइलस्टोन टूरिज्म के दृष्टि से जो है ये साबित। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़े ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goilmotor.com पर।